छतगन, आप सबों का गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। छतगन, हमेशा यह याद रखिए कि आप जितने ज्यादा सामाजिक रहेंगे, जितने ज्यादा लोगों से खुल मिल करके रहेंगे, जितना ज्यादा दूसरों की मदद करेंगे, उतनी ही आत्मसंतुष्टि आपको प्राप्त होगी, उतना ही तनाव से आप दूर रहेंगे, उतनी ही सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में प्रवेश करेगी। इसलिए हमेशा सामाजिकता को अपनाएं और सामाजिक परिवेश में रहें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के साथ मिलें जुलें, बातचीत करें। इससे आदमी अपने तनाव को भूलता है, तनाव को दूर करता है। इसलिए कहा गया है व्यस्त रहें मस्त रहें, है ना छतगन। इन्हीं सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ कक्षाओं की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। आज छतगन इतिहास का एक नया पाठ, एक नया विषय हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपने आधुनिक भारतीय इतिहास, जहां त्याग तपस्या बलिदान देश के लिए कुर्बानी का इतिहास आपने पढ़ा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जहां षड्यंत्र साजिश सत्ता के लिए पिता द्वारा पुत्र की हत्या, पुत्र द्वारा पिता की हत्या, रक्त संबंध कोई मायने नहीं रखते हैं, ये इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आपने पढ़ा, जहां एक से बढ़कर एक स्थापत्य कला के नमूने आपने देखे। छतगन, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। छतगन, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। हेडिंग बनाएंगे छतगन, वैदिक सभ्यता या आदि सभ्यता। सभ्यता, वैदिक सभ्यता या आदि सभ्यता, लिखिए। जिस काल में वेदों की रचना हुई थी, तीर्थ निशान छात्रगण, हेडिंग आपने बना लिया लाल यहारा कलम से, वैदिक सभ्यता या आदि सभ्यता, लाल यहारा कलम छात्रगण, और एक ब्लैक या ब्लू। जिस काल में वेदों की रचना हुई थी उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट, तीर्थ निशान छात्रगण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, त्रिकोणिशान, जहां एक ओर सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी, वहीं दूसरी ओर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था, ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक,
वीग वैदिक सभ्यता नंबर दो, उत्तर वैदिक सभ्यता सभ्यता नेक्स्ट वीग वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल की सभ्यता 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट, भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आक्रमण के साथ शुरू हुई थी नेक्स्ट, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कुलीन संभ्रांत होता है नेक्स्ट, भारत में पहली बार घोड़ों एवं रथों का प्रयोग आर्यों ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट, आर्यों की सफलता में रथों का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट, आर्यों की शारीरिक बनावट निम्न थी नंबर एक, ये ऊंची कद काठी वाले होते थे। नंबर दो, इनकी भुजाएं चौड़ी थी। नंबर तीन, ये बड़ी बड़ी आंखों वाले गोरे रंग के होते थे नेक्स्ट, आर्यों का आगमन भारत में कहां से हुआ, इस संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं जिसका वर्णन निम्न है। नंबर एक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आगमन
आर्यों का आगमन, आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव, ध्रुव से हुआ था, हुआ था। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, आर्यंस में बतलाई है, बतलाई है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का आगमन, आगमन तिब्बत से हुआ था, तिब्बत से हुआ था। नेक्स्ट, डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार, डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्य सिंधु और उसकी सात सहायक नदियों, नदियों अर्थात सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र से भारत आए थे। नेक्स्ट, पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्य ब्रह्मदिशि देश से, ब्रह्मदिशि देश से, देश से भारत आए थे। नेक्स्ट, विलियम जोन्स के अनुसार आर्य यूरोप से भारत आए थे। नेक्स्ट, पी गाइल्स के अनुसार आर्य यूरोप के हंगरी के डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र, डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र से भारत आए थे, भारत आए थे। नेक्स्ट, मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर आर्य भारत में मध्य एशिया, एशिया के बैक्ट्रिया, फ्रांस से भारत आए थे, आए थे। नेक्स्ट, उपरोक्त विद्वानों के
द्वारा दिए गए विश्लेषण के आधार पर सर्वाधिक मान्यता प्राप्त विवरण इतिहास में मैक्स मूलर के विवरण को माना जाता है। छठगण वैदिक सभ्यता की शुरुआत हम लोगों ने की है और पहले हम लोग इतने दूर तक समझ लेंगे, फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। छठगण जानिएगा कि वैदिक सभ्यता किसे कहा जाता है। छठगण जिस काल में वेदों की रचना हुई थी उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ये चार वेद हैं। इन चारों वेदों की जो रचनाएं हुई थी उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। छठगण ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छठगण दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी ध्यान देंगे, उसे भी मनन करेंगे, उसे भी याद रखेंगे, उसे भी स्मरण करेंगे। छठगण वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। आर्यों का आक्रमण भारत में हुआ छठगण और वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो गई। छठगण वैदिक सभ्यता को जब हम लोग कालक्रमानुसार देखते हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का पूरा कालक्रम क्या था तो आपको लगाना होगा 1500 से 600 बीसी छठगण, ये पूरा वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है। 1500 से 600 बीसी। लेकिन छठगण आपसे यदि पूछेगा कि वैदिक सभ्यता को आप कितने भागों में विभाजित करते हैं तो दो भाग में विभाजित करते हैं छठगण। एक ऋग वैदिक सभ्यता जिसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता जिसका कार्यकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। छठगण आखिर दो भागों में क्यों बांटा गया है इसे, इसको गौर करेंगे। छठगण ऋग वैदिक सभ्यता उस सभ्यता को कहते हैं जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसका नामकरण किया गया ऋग्वैदिक सभ्यता। इसका कार्यकाल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। छठगण अन्य तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ध्यान देंगे छठगण, है ना। तो वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता क्या है छठगण, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक सभ्यता क्या है, जब अन्य तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी। दोनों का कार्यकाल अलग अलग याद रखेंगे छठगण। ऋग वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे छठगण। तुलनात्मक यदि हम लोग अध्ययन करें, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर हर जगह प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो छठगण आपको ध्यान रखना होगा कि तुलनात्मक अध्ययन आप करोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी छठगण, है ना, अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन था छठगण, ये भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है, पूछेगा वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नंबर एक नगरी सभ्यता, नंबर दो ग्रामीण सभ्यता, नंबर तीन दोनों, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। छठगण ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता नहीं थी, ध्यान रखेंगे। छठगण वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आक्रमण के साथ होती है। छठगण ये आर्य कौन थे, क्यों आखिर इस सभ्यता को आर्य कहा जाता है। छठगण आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ हो, जो कुलीन हो, संभ्रांत हो, जो दूसरों से सर्वश्रेष्ठ हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो सभ्य समाज से आता हो, जो संभ्रांत हो, है ना, जो कुलीन हो, छठगण उसे ही आर्य कहा जाता था। आर्यों की शारीरिक बनावट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं छठगण, जहां एक और मंगोलाइड प्रजाति के लोग छोटी छोटी आंखों वाले नाटे कद के होते थे, वहीं आर्य प्रजाति के लोग लंबे कदकाठी के, बड़ी बड़ी आंखों वाले, चौड़ी भुजाओं वाले होते थे छठगण। ये शारीरिक बनावट से भी सवाल पूछा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छठगण भारत में पहली बार
रथों और घोड़ों का प्रयोग किसने किया था? आर्यों ने किया था। आर्यों की सफलता का मुख्य कारण भी था छात्रगण घोड़े और रथ। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। घोड़े और रथ आर्यों की सफलता के मुख्य कारण थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। छात्रगण दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी ध्यान दें, उसे भी गौर करें, उसे भी याद रखेंगे। छात्रगण आर्य भारत में कहां से आए थे? ये अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है। छात्रगण कोई कहता है कि तिब्बत से आए थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि तिब्बत से आए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में कहा है कि ये ध्रुवी प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक प्रदेश से आए थे। छत्रगण किसी का कहना है कि ये सप्त सैंदव क्षेत्र से आए थे, किसी का कहना है कि ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए थे। मैक्स मुलर का कहना है कि यह मध्य एशिया के बैक्ट्रिया प्रांत से आए थे। छत्रगण जितने भी विद्वानों के विचारधारा आपको लिखाई गई है उनमें से मैक्स मुलर की विचारधारा को मैक्स मुलर की विचारधारा को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। छत्रगण मैक्स मुलर की विचारधारा के बारे में यह कहा गया है कि मैक्स मुलर की विचारधारा सबसे ज्यादा सटीक है। पूछेगा आर्यों के भारत आगमन के संबंध में किस विद्वान की विचारधारा सबसे मान्यता प्राप्त है? तो मैक्स मुलर की विचारधारा। छात्रगण मैक्स मुलर का क्या कहना था कि मध्य एशिया के बैक्ट्रिया प्रांत से आर्यों का आगमन हुआ था, इसके साक्ष्य भी मिले हैं छात्रगण, इसलिए इसे सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। छात्रगण दे देगा खंड क को खंड ख से मिलान करें, खंड क में दे देगा आर्यों के आगमन के क्षेत्र, खंड ख में दे देगा संबंधित विद्वानों की विचारधारा, खंड ख में दे देगा छात्रगण सप्त सैंधव क्षेत्र, तिब्बत, आर्कटिक प्रदेश, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया प्रांत। खंड ख में विद्वानों के नाम दे देगा, बोलेगा गंगा जमुना को मिलाइए, आप नहीं जानोगे, नहीं बन पाएगा। या फिर पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? नंबर एक, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार डैश देकर लिखेगा आर्य तिब्बत से आए थे। दूसरा देगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार डैश देकर लिखेगा आर्य उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए थे। तीसरा दे देगा मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के बैक्ट्रिया प्रांत से भारत में आए थे। और चौथा आपको दे देगा छत्रगण कि अविनाश चंद्र के अनुसार आर्य ब्रह्मऋषि देश से भारत आए थे। तो छात्रगण ये गलत हो गया, अविनाश चंद्र के अनुसार आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र सिंधु और उसकी सात सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र से आए थे, यही गलत है। तो छात्रगण आप जब तक नहीं जानोगे कि किसने क्या क्या विचार दिया है तब तक ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। आपको इन पर पकड़ रखनी होगी, ध्यान रखना होगा और एक चीजों को याद रखना होगा। छात्रगण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त रूप से ये सवाल मील का पत्थर आपके लिए साबित होंगे और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है भूमिका अदा करेंगे। इसलिए छात्रगण आपको इसे ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों का स्मरण करना होगा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। यह भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देनी होगी छात्रगण, मनन करना होगा, है ना छात्रगण। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे ऋग्वैदिक काल, बीचों बीच अपने नोटोस्कोपी में हेडिंग बनाएगा छत्रगण ऋग्वैदिक काल। देखिए इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, की गई थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं निम्न थी। नंबर एक, सभा डैश देकर लिखिएगा ऋग्वैदिक काल में
उच्च सदन को, अर्थात आज के राज्यसभा को, राज्यसभा को सभा कहा जाता था, सभा कहा जाता था। इसमें उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे। उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे। नेक्स्ट नंबर दो, समिति लिखिए। यह आज के लोकसभा के समतुल्य थी, यह आज के लोकसभा के समतुल्य थी। इसमें आम जनता की सहभागिता होती थी, आम जनता की सहभागिता होती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। क्वेश्चन आ चुका है छात्रगण, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। नेक्स्ट, अथर्ववेद में, त्रिगणशान अथर्ववेद में सभा एवं समिति को ऋषि प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट, तीसरा राजनीतिक संगठन लिखेंगे छात्रगण, विदत लिखिएगा। यह वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट, हरि मनेगा छात्रगण, दासराज्य युद्ध, दासराज्य युद्ध युद्ध लिखे। भरत वंश के राजा सुदास के पुरोहित विश्वामित्र थे। नेक्स्ट, सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया तथा ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था। नेक्स्ट, इस कारण से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए तथा उन्होंने 10 राजाओं का एक संघ बनाया। नेक्स्ट, राजा सुदास एवं ऋषि विश्वामित्र के बीच
परुष्णी या रावी नदी, परुष्णी या रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें राजा सुदास विजयी रहे। इस युद्ध को दासराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऋषि विश्वामित्र किस युद्ध में पराजय हुई तथा यह युद्ध ऋग्वैदिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में जाना जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने राजा सुदास के खिलाफ 5 आर्य एवं 5 अनार्य राजाओं का संघ बनाया था। छदन, क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। दासराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी या रावी नदी के तट पर। किसके किसके बीच लड़ा गया था? ऋषि विश्वामित्र और राजा सुदास के बीच। राजा सुदास किस वंश का था? भरत वंश का था। ऋषि विश्वामित्र ने कितने राजाओं का संघ या संगठन बनाया था? 10 राजाओं का संघ या संगठन बनाया था। ऋषि विश्वामित्र की सेना में 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य राजा थे। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी छात्रगण याद रखना होगा। यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। पैन निगाहें आपकी होनी चाहिए, छात्रगण ध्यान देंगे। छात्रगण, दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी ध्यान देंगे, उसे भी याद रखिएगा, उसे भी मनन कीजिएगा और गौर कीजिएगा। पूछेगा दासराज युद्ध का परिणाम क्या हुआ? राजा सुदास विजयी रहे, विश्वामित्र को पराजय का सामना करना पड़ा। राजा सुदास विजयी रहे, विश्वामित्र को पराजय का सामना करना पड़ा। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा छात्रगण। तो छात्रगण, ये सभी चीज़ें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही हिट हैं, जबरदस्त रूप से आती हैं, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी और ध्यान रखना होगा। गौर करेंगे छात्रगण। अगला पॉइंट लिखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा। लिखे, ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्णों में विभाजित था। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। नेक्स्ट, भारत में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें जिसमें यह बतलाया गया है कि पुरुष सूक्त इनवर्टेड कॉमा लाइन रखिएगा छात्र जन, जिसमें यह बतलाया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, अतः वह सर्वश्रेष्ठ है तथा प्रशासनिक कार्यों पूजा पाठ के लिए सबसे योग्य है नेक्स्ट तीर्थंकर क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुआ है, भुजाओं से हुआ है, अतः उसका काम ब्राह्मण एवं अन्य वर्णों की रक्षा करना है, अर्थात सैन्य प्रणाली में क्षत्रियों का विशेष महत्व है, है। नेक्स्ट वैश्य का जन्म ब्रह्मा जी के जांग से हुआ है, वैश्य का जन्म ब्रह्मा जी के जांग से हुआ है, हुआ है, तथा इसका मुख्य कर्तव्य व्यापार करना बतलाया गया है। नेक्स्ट तीर्थंकर शूद्र का जन्म ब्रह्मा जी के पैर या तलवे से बतलाया गया है, तलवे से बतलाया गया है, जिसके कारण जितने भी निम्न स्तर के कार्य हैं, जितने भी निम्न स्तर के कार्य हैं जैसे साफ सफाई, मैला ढोना, गंदगी साफ करना, ये सब शूद्रों के कार्य बतलाए गए हैं। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल में तीर्थंकर छात्रगण, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति भारतीय इतिहास में सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस काल में स्त्रियों को निम्न अधिकार दिए गए थे। नंबर एक, स्त्री पति के साथ यज्ञ में बैठती थी, पति के साथ यज्ञ में बैठती थी। नंबर दो, यह युद्ध में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी। नंबर तीन, इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था, उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। नंबर चार,
एक से बढ़कर एक विदुषी कन्याएं विदुषी कन्याएं ऋग्वैदिक काल में हुई थी, जिन्होंने अनेक वैदिक मंत्रों एवं ऋचाओं की रचना की थी नेक्स्ट, ऋषि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा मुद्रा के अलावा अपाला विश्वारा घोषा अपाला विश्वारा घोषा इत्यादि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में बहुविवाह पदा प्रथा बाल विवाह सती प्रथा का प्रचलन नहीं था नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। नेक्स्ट, पति की मृत्यु के पश्चात या पति की मृत्यु के पश्चात या पति से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाने के कारण पत्नी को अपने देवर के साथ विवाह करने या संतान प्राप्ति हेतु शारीरिक संबंध बनाने की आजादी दी गई थी, जिसे नियोग प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, नियोग प्रथा कहा जाता था नेक्स्ट, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहते थे। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछेगा ऋग्वैदिक काल में
सभा, समिति और विदत्त, तीन प्रकार की संस्थाएं थी। छतगण सभा में उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे, समिति में आम जनता भाग लेती थी और विदत्त सबसे प्राचीनतम संस्था थी। तीनों क्वेश्चन आते हैं। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगण ऋग्वैदिक काल की यदि हम लोग सामाजिक दशा को देखें तो भारत में पहली बार वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वैदिक काल में होती है। छतगण ऋग्वैदिक काल के में ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जहां समाज को चार वर्णों में विभाजित बतलाया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। छतगण ब्राह्मण को बतलाया गया है कि उसका जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है शासन चलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, जितने भी उच्च कार्य है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है, उसे करने के लिए ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। छतगण शूद्र जो है उसे सबसे निकृष्ट बतलाया गया है। छतगण क्षत्रिय को बतलाया गया है कि आपका जन्म ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुआ है, इसलिए आपका काम सभी की रक्षा करना है, सेना में आपका भर्ती होना है और रक्षा तंत्र को मजबूत करना है। वैश्य को कहा गया कि आपका जन्म ब्रह्मा जी के जान से हुआ है, इसलिए आपको व्यापार करना है, यह वैश्य की जिम्मेदारी दी गई। और शूद्र को कहा गया कि आपका जन्म ब्रह्मा जी के सबसे निकृष्ट पाठ से हुआ है, पैर या तलवे से हुआ है, इसलिए आप जितने भी निम्नतम कार्य हैं, जितने भी निम्न स्तर के काम हैं, वो आपको करने हैं। क्या है वो निम्न स्तर के काम छतगण? मैला ढोना, साफ सफाई करना, है ना, से लेकर के जितने भी निम्न स्तर के काम थे वो शूद्रों की जिम्मेदारी दी गई थी। ये था छतगण वर्ण व्यवस्था। पूछेगा भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहली बार किस काल में मिलता है? ऋग्वैदिक काल में। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। किस मंडल में मिलता है? दसवें मंडल में। किस सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से आता है। छतगण जहां एक और वर्ण व्यवस्था हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखते हैं, वहीं दूसरी और एक सुखद अनुभूति की आपकी प्राप्ति होगी, आपको प्राप्ति होगी कि पूरे भारतीय इतिहास में महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति ऋग्वैदिक काल में मिलती है। छतगण छतगण ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति क्यों मिलती है, क्या कारण है इसके पीछे? छतगण महिलाओं से संबंधित जितने भी तरह के ढकोसले, जितने भी प्रकार की कुप्रथाएं थी, वो ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। बाल विवाह नहीं था, पद्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था, है ना, बहु विवाह नहीं था, केवल उच्च वर्ग के लोग करते थे। छतगण दूसरी और आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में ये सब कुप्रथाएं नहीं होने से महिलाओं की स्थिति सर्वोच्च थी, सर्वश्रेष्ठ थी, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता थी, और तो और नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। पति की असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद पति के भाई अर्थात देवर के साथ विवाह का भी नियम था, या पति यदि संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है तो पत्नी को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बना करके संतान की उत्पत्ति कर सकती है। सोचिए छात्र, कितनी मॉडर्न सोच, कितनी जबरदस्त रूप से आधुनिक सोच जो कि उस काल में मिलती है जिसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। छतगण महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में बैठने का अधिकार था, युद्ध में, सेना में महिलाओं को प्रवेश था, उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। सोचिए कि अपने आप में महिलाओं को कितने सारे अधिकार दिए गए थे, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो छतगण एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को स्मरण करें, ये सभी चीजें आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आएंगी कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो कैसे थी। छतगण एक से एक विदुषी कन्याएं हुई इस काल में, जिन्होंने एक से एक अपनी विद्वता का परिचय दिया और वैदिक मंत्रों ऋचाओं की रचना की। ऋषि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला, घोषा, ये सब इसी काल में हुई थी, जिन्होंने वैदिक मंत्रों और ऋचाओं की रचना की थी। छात्रगण पूछेगा ऋग्वैदिक काल की विदुषी कन्याएं कौन कौन थी, तो लोपामुद्रा थी, ऋषि अगस्त की पत्नी विश्वारा थी, अपाला थी, घोषा थी, ये लोग थी छात्रगण, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो छात्रगण पूरे भारतीय इतिहास में महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति किस काल में देखने को मिलती है? ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। इसे भी आपको याद रखना है, इसे भी मनन करना है।
इसे भी अध्ययन करना है, इसे भी स्मरण करना है, है ना। तो छतगण आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, अगली कक्षाओं में हम लोग पुनः मिलेंगे और हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक काल की अन्य जो है अवस्थाएं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मनोरंजक है। जो भी मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, सबको याद कीजिए छात्रगण, इससे सवाल आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन छपे हुए रहते हैं हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए आपको इस चैप्टर पर कमांड रखना होगा, पकड़ बना के रखनी होगी और एक एक चीजों को छात्रगण रट जाना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। तो छात्रगण आज यहीं पर अलविदा, यहीं पर हम लोग क्लास को विराम लगा रहे हैं। अगली कक्षाओं में इसी जोश व खरोश, सकारात्मक ऊर्जा, मुस्कुराहट के साथ, जिंदा दिली के साथ, जोश जज्बे और जुनून के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।